इकबाल की जुबान बोल रही है कि हमने जंगे लड़ी, हमने पहाड़ों के कलेजे चीरे, हमने समंदरों में घोड़े डाल दिए, हमने तेरे दीन के लिए क्या क्या नहीं किया, बरसते तीरों में हमने नमाजें नहीं अदा की, हमने करबलाएं नहीं सजाई, हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज हम जलील हैं। 56-57 इस्लामी मुल्क को जिल्लत और रुसवाई का आलम। तो इकबाल, शिकवा गुना होता है। सफाए दहर से बातल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार। अब जवाब सुनो, जवाब उधर से आता है, लहजा इकबाल का है, वही लफ्ज है, सिर्फ सीगा बदलता है, आवाज आ रही है। सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा, हर कोई मस्ते मए जोके तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। हाँ, तुमने कुरान को छोड़ दिया हुआ है, अमलन छोड़ दिया हुआ है, तुमने हुलाफों में लपेट के तो रखा, खुशबू तो अच्छी से अच्छी लगाई, ऊंचे ताक पे तुमने कुरान को सजाया, सच बताओ कभी खोल के देखा, सच बताओ कभी कुरान से पूछा मैं जिंदगी कैसे गुजारूं,